बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम सभी बहुत अच्छे हैं। एंड गाइज, मैंने आप लोगों को कल लास्ट व्लॉग में बताया था कि वैसे आगे कर रहे हैं कि गाइज वैसे ये व्लॉग रूम शिफ्टिंग वाला मेरा रहने वाला है। बट गाइज, हम लोग इतना बिजी हो गए थे बिकॉज मैंने आपको बताया था जो न्यू बेबी हुआ है आज उसका नामकरण है, तो उसके लिए शिल्पी दीदी बोरी कोमल जा किसी के किताब ला दूँ उसमें भाई से। हाँ गाइज, तीन गाड़ियाँ। चाची नमस्ते। तो गाइस, चाची के ही पोता हुआ था वो, मैंने आपको बाबू का है, बाबू गाड़ी दिखा दिया। कौन सी गाड़ी है? अच्छा, तो गाइस बाबू उधर है, तो आ जाओ चाची, आप इधर आ जाओ। गाइस, तीन गाड़ियां हम लोगों ने भर ली है यहाँ से, तीन चार बाइकें हैं, उसके बाद मैं रेडी हो गई पूरा। मैं आपको दिखाऊंगी अपना लुक बाद में, बट अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं नामकरण करवाने के लिए। चाची फिर वो नाम का अक्षर बताएंगे गुरुद्वारे से, फिर नाम होता है ना उससे हमारा पहला अक्षर। अच्छा, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी सब लोग आ रहे हैं उधर से, मम्मी आ रही है, घर लॉक कर दिया फटाफट से। आज सुबह सारे जल्दी उठ के रेडी हो गए, बाकी चल के मिलते हैं बाद में। पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे, आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए हैं मजनू टीले वाले गुरुद्वारे। और वैसे पहले बहुत आते थे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे गाइस पार्क है, तो मम्मी उसमें खेलने के लिए हम लोगों को लेके आया करती थी। गली के सारे बच्चे खाना पीना बना के, बैडमिंटन, क्रिकेट, रैकेट, हम ये सब चीज़ें खेलते थे। बट अभी तो बच्चे भी बड़े हो गए, हम अब आते भी नहीं हैं, और अभी बस सब रेडी हो रहे हैं। नोना ने कुर्ता पजामा पहना है, चल क्या अच्छा होती है। हाँ हाँ, बार बार तो वो लाई नहीं अपना जूने वाला का, जूने वाला कंगा नहीं लाई अपना, अरे जूने वाला कंगा नहीं लाई फिर अपना। एक फोन ले लेती, एक रख देती हूं। हाँ ब्लॉग वाला ले लो बस, चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक एक बार। एक मिनट गाइज, एक मिनट, हमने चप्पल यही कर दी आज यार, फेस बहुत धूप धूप हो रहा है आज, सब मुझे गुलाबो गुलाबो बोल रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? तेरे में तो घने मलुक से आ रहे यार, घने मलुक इस तरह। बहुत गाइस धूप बहुत पड़ रही है ना, इस वजह से फेस ऐसे हो रहा है, बट हाँ यहाँ से ठीक है। ये तेल तेरे पे इतना असर आ लगा जिम जाके। अच्छा चलते हैं, चलो आ चुके हैं गुरुद्वारे, और मामी अब आई हैं, हम लोग पहले पहुंच गए थे, मामी अब आई हैं, नूना आ रही है, वो रही सामने। और वो रहा हमारा छोटा बेबी, सभी यहाँ पे अरदास हो रही है, और फिर ऐसे ही बेबी का नाम वर्ड जो भी आएगा फिर उस पर नेम रखा जाएगा। तो बेबी अभी आ गया, बेबी मिलता है तुम आप लोग, अरे नहीं बेटा ना। अभी हम लोग गुरुद्वारे से आ चुके हैं अंदर अरदास करवा के, और बेबी का नाम, यार मुंह कैसा हो रहा है गाइस धूप में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। गाइस पता है बाकी नाम क्या है? नाम गाइस ई से, और लड़के का नाम है तो क्या रखेंगे? ई से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय देना, बाकी हम लोग तो सोचेंगे। गाइस इतना बुरा मुंह आ रहा है, इससे तो आप देखो ही मत। ई से एक बार मुझे दिखा दो पूरा, ई से नाम रख दो उसका, एल्विश। नहीं दिखाओ नीचे तक पूरा, गाइस देखो मैं ये पहनती हूं, मुझे नहीं पसंद एल्विश नाम, नहीं गाइस ये नहीं रखेंगे। और वैसे भी पंजाबियों वाला कुछ नाम रखना है तो एल्विश तो जमा नहीं। बाकी चलो मैं आई हूँ अब पार्क में कुछ वीडियो शूट करने के लिए अपनी, तो वीडियोस बना लूँ फिर मिलती हूँ। गाइस अभी हम सारे आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है ये पता नहीं, क्या बात कर रहे हो सब लोग हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे थे सब लोग खाने की सोच रहे हैं। हाँ भूख तो बहुत तेज लग रही है सबको जी, क्या अच्छा मुझे लगा कह रहे हो ले बेटी, मैंने कहा आंटी दे रही हूँ मैं 2000 का नोट। और बाकी अभी किस लिए रुके हैं पता नहीं, तो पर पंजाबी से ही रखेंगे ना हम तो, सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अब घर जाने के लिए। मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर ली गाइज, पहले मैं जीजू के साथ आई थी, अब मैं भाई के साथ जा रही हूँ वापस। और भूख लग रही है यार, सुबह से मम्मी ऐसे ही घुमा रही है ये बोल के, अभी मिलेगा करके। मुझे तो वो लग रही है बहुत तेज भूख, अरे क्या है यार, जब फोन पकड़ा हुआ नहीं है मैंने, तो इतनी तेज तेज गाड़ी चला के फोन गिरा रहे हो बार बार मेरा।
टूट जाएगा बेचारा, नया कोई दिला नहीं रहा वैसे ही मेरे को अभी। बाकी गाइस अभी हम घर के लिए निकल गए हैं, ई और ए से नाम है, आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या रख सकते हैं क्या नहीं। बाकी घर जाके फिर खाना पीना खाएंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सुबह उठे बस नहाए और ऐसे ही आ गए कुछ खाया। आ चुके हैं घर, घर आते ही मैं सबसे पहले मैंने अपना वीडियोस कंप्लीट करी, एक दो अपनी वीडियोस कंप्लीट करी क्योंकि अब मुझे ना कपड़े चेंज करने हैं। मैं बस बहुत देर हो गया सूट वूट पहन के और अभी बाल टाई नहीं कर सकते ना, तो मैं इन्हें ऐसे ही खोल के घूम रही हूँ, तो अब बहुत परेशान हो रही हूँ और भूख तो अब मुझे हद से ज्यादा लग रही है, पर अभी तक तो कुछ आया नहीं है खाने के लिए। हमने तो खा लंगर खा गया ना वहाँ, तो मैं यही कह रही हूँ किसी ने भी भाई सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है अब, ठीक है गाइज, अब सब लोग उधर बैठे हुए हैं, ये वाला रूम क्लीन कर रहे हैं क्योंकि सारे बैठेंगे यहाँ पे अब, और बाकी मैं कपड़े चेंज करती हूँ फिर मिलते हैं। हम सारे घर पे आके लेट गए, अभी ना समोसे वगैरह लेके आया, यहाँ पे पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, क्या बात हो गई? पापा मेरे फोन पे में से 2000 रुपए कट ले लिया अंशु ने, 190 रुपए लिए हैं। पापा 190 रुपए, 1 रुपए भी क्यों लिए बिना पूछे किसी से, बताओ पापा क्यों लिए किसी से पूछे बिना 1 रुपए भी? तो बेटे नने का काला है तू छाले, अंशु तू अपने अपने लिए बर्गर लाया बस। पूरी तो मैंने पॉपकॉर्न खाए थे और बर्गर। अच्छा खा भी लिए और बाकी चलो गाइस मिलते हैं अब, सब आने वाले हैं अब फिर एंजॉय करेंगे। आप लोगों को पता है क्या हुआ, खाना पीना खाया उसके बाद ना मेरे को तो यार इतनी तेज नींद आ गई, मैं सो गई और सो के अब उठी हूँ और अभी फिर ना रेडी होना था क्योंकि घर पे ना गीत वगैरह फिर रखे थे चाची ने, घर पे थोड़े गीत वगैरह करवाएंगे, पर मैं तो सो गई, सो के उठी घर पे कोई भी नहीं, सब लोग मैंने कहा है भाई नोना, और पता है नोना को सुलाना था, नोना तो सोई नहीं, मैं सो गई, पापा कह रहे कि तू नोना से पहले तू सो गई थी फिर नोना सो गई तेरे बाद, मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी आपको शोर आ रहा होगा, लग रहा है ऐसा कि सारे जितने भी मामा चाचा पापा ये सारे छत पे हैं और बाकी सब चाची के घर है, क्योंकि घर तो बिल्कुल अपोजिट है, तो गीतों की आवाज़ तो मुझे काफ़ी देर से आ रही थी, बट फिर मैं रेडी हुई, मैंने बस हल्के से लिपस्टिक लगाई, मैंने कहा चलो यार ऐसे चली जाती हूँ, फिर चलते हैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और मिलते हैं फिर आज। यहाँ पे ये मम्मी और निशी लेके आए थे बेबी के लिए गिफ्ट्स, तो वो ओपन हो रहे हैं, बाकी दीदी प्रसाद लेके, अरे दीदी आप ले गए प्रसाद? मैं मूंगफली खाने को बैठी थी यार। अच्छा
चलो गाइस मिलते हैं। सारे गिफ्ट खुल रहे हैं यहाँ पे, अभी देखने के लिए बैठे हैं। घूमी नहीं पाई अभी, बच्चा लेके घूमूंगी। बच्चा अंदर रखने वाला है। गाइस ये सब प्रेम ना लेके ठंड के कपड़े, सब ठंडे नहीं, ये गर्म के हैं, मतलब ऐसे हैं, पर सब अभी के पहनाने के हैं। मतलब अभी छोटा है जो छोटे लगे, जो अभी वो पहना देना, और जो त्योहार भी हैं सारे दिवाली के बाद लोग। हाँ तो उठा दियो बेटा इसका, चलो बेलखनी। ये सारे टेडी बियर्स मैंने लिए हैं, बता देती हूँ मैं पहले ही। सारे ठंड के कपड़े आ रहे, बेचारा बच्चा गर्म है तो ठंड के ही पहनेगा। गाइस सिंधी गारमेंट से आप भी कपड़े ले सकते हैं, प्रमोशन। हाँ गारमेंट चलाते हैं बाबू के, सिंधी गारमेंट आए गाइस। अगर आपको लेने हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कमला नगर में इनकी शॉप है, ये रहा एड्रेस। देखो ये टेडी बियर, ये टेडी बियर नोना से इतनी मुश्किल से बचा के रख रखे थे। नोना खोल ले, रोज खोल लेती है, मतलब कि है कि जो बड़ा लगे तेरे को वो बाद में खोल लेना, ऐसा लगे। हाँ। बाकी ठंड के हिसाब से सारे, मतलब छोटे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे जीरो साइज का है। मेरा पढ़ा लेती हूँ। देखिए बीबी पूरे टाइम सोता रहता है, पूरे टाइम सोता रहता है। और गाइस इसी बच्चे का नाम है ई ए से, और मैंने पता क्या सोचा बहन, मैं रस्ते में एकता सोचा, मैंने कहा वो तो लड़का है, मैं लड़की वाले नाम क्यों सोच रही हूँ, बाबू को तरफ दे। गाइस आज पता है मेरा पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, तो मैंने ना पुनीत को कॉल किया, मैंने कहा पुनीत तू मेरे लिए पिज्जा ले आ, तो ये मेरे लिए पिज्जा लेके आया। गाइस अब ना जब भी बाहर जाएंगे ना, अब कहीं और मैकडी वगैरह जाने की जगह ना अब डोमिनोज जाएंगे, क्योंकि यार बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। अगर ये भी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है इनका भी, इसको देखो अच्छा जी। सभी बारी बारी मैं लगी हुई हूँ सारे ये कमरे क्लीन करने के लिए, क्योंकि ना सब लोग खाना, फिर हमने बोला चाची का घर ऊपर है, ऊपर क्या चढ़ना, सब लोग खाने यहीं खा लेंगे। तो फिर अब मम्मी ने वेज वाले लोगों के लिए मटर पनीर भी बनाया, तो मैंने अब ये ठीक करा, मैंने सारा सामान ना इसके ऊपर रख दिया, मैंने कहा चलो सब लोग यहाँ बैठ के खाना खा लेंगे, बाकी चलो बाकी यहाँ पे पुनीत जीजू ने तो पहले ही खा लिया, पुनीत ने थोड़ा सा प्रिंडा में खाया, थोड़ा थोड़ा सबकी प्लेटों में अलग अलग बारी बारी खाएगा यहाँ पे। बाकी आंटी, अरे यहाँ सारे वेजिटेरियन है गाइस, तो यहाँ सब अलग बैठे हैं, हैं तुम हो अलग, ये है गाइस अलग। शिल्पी दीदी ये बच्चा कौन है, ये लल्ला का तो मैं जानती हूँ, ये उनकी बहन है शायद, छोटी बहन शिवम की, नहीं नहीं तो जो बाबू है बड़ी बहन की बेटी, ये यहीं रहते हैं जो बाबू है ना, हाँ उसकी बहन, मतलब ये जो बाबू है उसकी बहन है, ये दीदी है। अच्छा दीदी है, दीदी है, चुपचाप है बहुत, क्यों रोटी। और बाकी सब खा रहे गाइस अपना, मैं भी लगाती हूँ फिर मिलती हूँ। सो गाइस टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं, और ना मैं ढाई 2:30 तो गाइस 2:30 बज रहे हैं, पुनीत ने मुझे बोला कि आधा मैं थोड़ी देर सी हेल्प करा देता हूँ, यहाँ से जितना भी सामान वगैरह वो सब क्लीन कर देते हैं, और ना तेरा रूम बहुत मैसी हो रखा है, तुझे अलमारी भी सेट करना, मैं तेरी हेल्प कराता हूँ। तो गाइस ये पुनीत तब से मेरी हेल्प करा रहे हैं, पहले तो गाइस मेरे जितने भी कोलैब्स वाले पार्सल थे ना गाइस, सब मैंने उठा के ना नीचे डाल दिए, ये सब अभी वो है जिनका कोलैब मुझे करना है, पेंडिंग है, तो मैंने यहाँ रख रखे हैं, ये पूरे मेरा खाली है, तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े फोल्ड करके पैक करने रखने वाली हूँ। उसके बाद जितने भी और पार्सल थे जिनके कोलैब मुझे अगेन एंड अगेन करने पड़ते हैं, उनको भी ना मैंने गाइस यहाँ पे रख दिया, किसका अलग है गाइस, यहाँ मैंने रख दिया, जो न्यू आते रहेंगे उन्हें यहाँ भरती रहूंगी, बट यहाँ ऊपर आप मुझे मेरे कपड़े लगा दें, जो मैं पेटी से निकाल के सारे यहाँ पे फोल्ड करके रखने वाली हूँ, सारे न्यू कपड़े यहाँ रख दूंगी, और जो बाकी वैसे हैं वो सारे यहाँ रख दूंगी, कल सुबह ये भी खाली करूंगी, और फिर जो न्यू अपने पुराने से कपड़े आते रहेंगे उन सबको यहाँ भरती रहूंगी। तो अभी गाइस काम में लगे पड़े, वैसे मैं थक गई, नींद आ रही है, और गाइस पुनीत बोल रहा है कि अभी कर अभी कर अभी कर, तो करते हैं।